बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलियान कुशल किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान बागवानी खेती के लिए ले सकते हैं आर्थिक मदद। तिलहन और दलहन की खेती के लिए ले अनुदान पर कृषि यंत्र है उपलब्ध। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद भारत। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार किसानों को बागवानी खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए आम, अमरूद, आंवला, नींबू के नए फल बागों की स्थापना, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, फूल एवं सब्जी फसलों की खेती और संरक्षित संरचना सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी सुविधाओं में प्रति अव्यय के लिए 50% अनुदान का प्रावधान है। राज्य के किसान इस योजना की जानकारी और आवेदन के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के कई जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें छोटे बड़े कई कृषि उपकरण है। इन उपकरणों पर 40-50% अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के जो किसान उद्यानिकी फसल शहतूत की खेती करना चाहते हैं तो बरसात के मौसम में शहतूत का पौधा लगाएं। ध्यान रहे जल जमाव न होने पाए। बाजार में शहतूत अच्छे मूल्य पर बिकता है। किसान शहतूत का उत्पादन करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। शहतूत के जड़ नमी में सही तरीके से फैलते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर बरसात में पौधारोपण करें। चूंकि बरसात का मौसम होगा तो लगातार वर्षा से जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इससे जड़ सड़न और गलन भी हो सकता है, इसलिए जल निकास की व्यवस्था जरूर करें। पौधों का सही विकास होगा तो बेहतर फलन होगा। शहतूत में हम देख रहे हैं कि अभी जो हम किस्म को ईजाद किए हैं, अभी हम इसको ICR प्लांडू मलबेरी सिलेक्शन जो बोल रहे हैं, इसको आप लगा सकते हैं। लगाने का सबसे उपयुक्त समय है, इसको आप बारिश के समय लगाइए क्योंकि बारिश में नमी अच्छी रहती है और इसमें जड़ें काफ़ी आसानी से बन जाती है, तो बारिश के समय इसको लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ध्यान रहे पानी वहाँ जमा ना हो और पानी की निकासी की एक अच्छी व्यवस्था हो। शिमला मिर्च की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए मार्च महीने में फसल लगाने का काम पूरा कर लें। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेदों में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी या अर्का गौरव लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में भारत या इंद्रा लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद की बुआई में 800 ग्राम बीज और संकर प्रभेद की बुआई में 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेद की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 45-45 सेंटीमीटर तथा संकर प्रभेदों की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी और अर्का गौरव की उत्पादन क्षमता औसतन 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेद भारत और इंद्रा की औसत उत्पादन क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन यानी टांड खेत में सब्जी फसल या किसी अन्य फसल की खेती कर रहे हैं तो उसमें निकोनी का काम करने के लिए पेगहो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे रासायनिक दवा के बिना बैंगन फसल में कैसे कीट नियंत्रण करें। किसान भाइयों, बैंगन का पौधा लगाने के 25 दिन बाद
125 किलोग्राम नीम की खली और 60 दिन बाद भी 125 किलोग्राम नीम की खली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें तथा उसे मिट्टी से ढक दें। इससे बैंगन में कीटों का प्रकोप नहीं होगा और उपज भी बढ़ेगी। और अब एक नजर राज्य के पांच प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के पांच प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहर। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। अब हम लेंगे एक छोटा सा विराम। आप लीजिए चाय की चुस्की और पुनः वापस आइए। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवम्बर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। आज हम बातें करेंगे करेले की खेती एवं खेत की तैयारी। जी हाँ, करेला एक ऐसा फसल है जो बच्चे बूढ़े सभी को बहुत ही फायदा पहुंचाता है। तो आइए देखते हैं फीचर के माध्यम से। करेला एक ऐसी सब्जी फसल है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सब्जी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक है। यही वजह है कि बाजार में इसकी मांग बहुत अधिक है। अपने प्रदेश झारखंड में इसकी खेती व्यवसायिक रूप ले रही है। इसकी खेती के लिए गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। इसे गर्मी और बारिश
दोनों ही मौसम में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। देखिए, करेला एक प्रमुख सब्जी की फसल है और पिछले करीब जो हम लोगों का 20 वर्ष का अनुभव रहा यहाँ पे, यहाँ के किसान धीरे धीरे अब करेले की खेती बड़े व्यावसायिक रूप में भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से अभी एकदम सही समय है और जाड़े के मौसम में भी अगाध खेती जो किसान भाई किए होंगे उनके तो फसल की तुड़ाई भी शुरू हो गई होगी, तो अभी जैसे तो एकदम सही समय है, तापक्रम एकदम अच्छा है और अभी करेले की खेती किसान भाई अच्छे ढंग से कर सकते हैं। खेत के तैयारी की पहले खेत की तैयारी की बात करते हैं, खूब सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 20 टन हम लोग सिफारिश करते हैं, 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छे ढंग से मिला दें। इसके बाद जो हमारा रासायनिक उर्वरक है उनका भी देना बहुत ज़रूरी होता है। रासायनिक उर्वरक में हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं इनके ऊपर विशेष जोर देते हैं। करीब 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और करीब 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास तत्व के रूप में करेले की खेती में हम लोग देते हैं। किसी भी फसल की उत्पादकता उसके बीज की किस्मों पर निर्भर करती है। यदि किसान भाई करेले की फसल का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो अपने प्रदेश में इसके लिए स्वर्ण यामिनी की किस्म बेहतर मानी जाती है। ये किस्म अगाध खेती के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा पूसा संस्थान दिल्ली से विकसित की गई इसकी एक अन्य किस्म है पूसा दो मौसमी, वो भी काफी अच्छी किस्म है और अच्छा उत्पादन देती है। किस्मों की बात आप करेंगे क्योंकि उन्नत किस्मों का अधिक उत्पादन देने में बहुत बड़ा महत्व होता है। हम ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे आधे का योगदान तो किस्मों का होता ही है। हमारे इस केंद्र से हम लोगों ने करेले का एक स्वर्ण यामिनी किस्म विकसित किया है, बहुत ही अच्छी किस्म है, अगाध खेती के लिए भी बहुत ही अच्छी है। जो किसान भाई जाड़े में खेती करते हैं नवंबर में प्लास्टिक की टनल में सुरंग बना करके, वो भी उनके लिए भी स्वर्ण यामिनी किस्म अच्छी उत्पाद है। और अगर अभी सीधे तो बुआई करने का समय है, लेकिन जो किसान भाई दिसंबर के महीने में इसका प्लास्टिक के थैले में पौधा तैयार कर लिया होगा, नर्सरी तैयार कर लिया होगा, तो उनकी बहुत करीब हमें लगता है कि एक फिट के आसपास 10 से 12 इंच की हो गई होगी, तो सीधे किसान भाई लगाएंगे तो दो महीने पहले उनको उत्पादन मिल जाएगा। किसान भाइयों, करेले की सही फसल लेने के लिए खेतों में सिंचाई करनी भी बहुत जरूरी है। इसके लिए टपक सिंचाई विधि अपनाना बेहतर होता है। इस विधि से एक तो लगभग 60% पानी की बचत हो जाती है तथा इसके अलावा खेतों में खर पतवार की समस्या नहीं आती तथा कीड़े मकौड़ों का प्रकोप भी काफी कम हो जाता है। अब जहाँ भी हम सिंचाई की बात करते हैं, जल प्रबंधन की बात करते हैं, तो टपकन सिंचाई विधि की ही बात हम कर रहे हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे झारखंड प्रदेश में पानी की कमी तो है ही है, 10-12% क्षेत्रफल ही सिंचित है, तो ऐसी अवस्था में टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करने से किसान भाई अधिक फायदा उठा सकते हैं और इससे जल की बचत करीब 60-70% जल की बचत होती है और पानी भी कम लगता है। उचित मात्रा में सही समय पर पौधों को पानी जड़ के माध्यम से मिलता रहता है। इसका लाभ क्या होता है कि खरपतवार कम निकलते हैं, कीड़े मकोड़े बीमारियों का प्रकोप कम होता है क्योंकि अधिक नमी होने से बहुत सारे खरपतवार और बीमारियां सुधा रूप से आ जाती हैं, तो उन सब का भी नियंत्रण होना है, जल की बचत होती है। और अभी तो भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा अनुदान टपकन सिंचाई विधि पर दिया भी जा रहा है। हम लोग जहाँ खड़े हैं अपने फार्म पे करीब 70% हम लोग टपकन सिंचाई विधि से ही सिंचाई कर रहे हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में करेले की फसल में फली छेदक कीटों के प्रकोप की भी संभावना होती है। इसकी रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशी का प्रयोग करना उत्तम माना जाता है, अतः किसान भाई इसकी रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशक को ही प्राथमिकता दें। जब जैविक कीटनाशी उपलब्ध ना हो तभी रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करें। गर्मी के मौसम में एक तो फल भेदक जो हमारा कीड़ा है वो कई बार उसमें आक्रमण कर देता है, फल में छेद हो जाता है और अंडे दे देता है तो पूरा फल बर्बाद हो जाता है, तो उसके रोकथाम के लिए हम लोग आजकल बहुत सारे जैविक कीटनाशी बाजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। अगर जैविक नहीं मिल रहा है तो मोनोफास दवा, इसका भी 1 मिलीलीटर पानी में घोल मिला छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन किसान भाई अगर जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनके उत्पाद की गुणवत्ता मिलेगी और उपज अच्छी। किसी भी लत्तेदार सब्जियों का अच्छा उत्पादन लेना है तो उनकी स्टैकिंग करनी बहुत ही जरूरी है।
इससे पौधों की उपज अच्छी होती है और किसान इससे ज्यादा लाभान्वित होते हैं। देखिए, किसान भाइयों को अभी बुआई कर देनी चाहिए और समय समय पर उसका तुड़ाई करना बहुत जरूरी है। गर्मी के मौसम में सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है और टपकन सिंचाई विधि का ही प्रयोग करें और समय समय पर पानी देंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को अच्छा लाभ होगा। किसान भाई, इस तरह यदि वैज्ञानिकों के अनुसार सही समय पर करेले की बुआई शुरू करें, टपक सिंचाई विधि अपनाएं, खेतों की तैयारी करें तथा कीड़े मकौड़ों की रोकथाम पर ध्यान दें, तो वे इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और अब हम बातें करने जा रहे हैं लाख एवं प्राकृतिक रोल का महत्व के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि लाख एवं प्राकृतिक रोल के महत्व क्या क्या है और इससे आप कैसे लाभान्वित होंगे, तो बिना देर के आपको दिखाते। लाख एक प्राकृतिक राल है। ये पलास, कुसुम, बेर आदि के पेड़ में कीटों द्वारा उत्पन्न होता है। अपने प्रदेश झारखंड में लोग कीटों की मदद से लाह की खेती करते हैं। लाह का उपयोग बहुत ही व्यापक पैमाने में होता है। यही वजह है कि इसकी बाजार में मांग भी बहुत अधिक है। लाह की कीमत भी बाजार में अन्य कृषि उत्पादों की तुलना में काफी अधिक है। अतः किसान भाई इसकी खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक लाख का सवाल है, लाख एक पेड़ से कीड़े द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके लिए कुछ मेजर सबसे जरूरी होस्ट हैं, जैसे पलास, बेर, कुसुम, जो जनरली पठारी इलाकों में बहुत पाए जाते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब जगहों में। इस पर पेड़ पर लाख की खेती करके इंसेक्ट का जो होता है उसको हम बैठा कर उससे राल का उत्पादन कर सकते हैं। ये राल काफ़ी चीज़ों में यूज होता है, उपयोग में लाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट राल है, प्राकृतिक राल है। और इसके लिए किसान को पहले तैयारी करनी पड़ती है, पेड़ों की छटाई करके, कटाई करके, कीड़े के संचारण, बहुत सारी दवा छिड़कना, ये करके आप राल को पैदा कर। जहाँ तक इसका उत्पादन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये एक बहुत ही अच्छा आय का स्रोत है। अगर आज के समय में देखेंगे तो इसका प्राइस 800 प्लस रुपये से ऊपर पर केजी जा रहा है। शायद ही इतना कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी इतना हाई प्राइस में बिक रहा है, क्योंकि इसका इंडस्ट्री में डिफरेंट अलग अलग वैल्यू एडेड चीज़ें, समृद्धि चीज़ें बना के बेची जाती है, बनती है और बनती मार्केट में बिकती है। अतः इसका प्राइस काफ़ी अच्छा मिल रहा है किसानों को, और इसमें खेती करें तो काफ़ी ये करीब देखा जा रहा है। जनरली पहले एक समस्या थी कि प्राइस गिर जाती थी, बहुत किसान भाई हताश हो खेती करना छोड़ देते, लेकिन इधर लास्ट पिछले 5-6 सालों से भी काफ़ी दिनों से इसका प्राइस हमेशा ऊपर ही रह रहा है, कभी इसको बेचने में दिक्कत की नौबत नहीं आ रही है और किसान इसका भरपूर खेती करके इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें किसानों को आगे बढ़ना चाहिए और ये काफ़ी अच्छा किसी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। किसान भाइयों, छिली लाह की कीमत यूँ तो बाजार में अधिक मिल जाती है, लेकिन जब लाह का उत्पादन जरूरत से अधिक हो जाता है तो उसकी कीमत सही नहीं मिल पाती। ऐसे में ये आवश्यक है कि किसान भाई इस लाह को दाने में परिवर्तित कर उसका भंडारण कर ले, फिर उचित कीमत मिलने पर उसे बेचें। दाने में परिवर्तित कर लेने से लाह खराब नहीं होते हैं और उसे लंबे समय तक साधारण बोरे में रखा जा सकता है। हाँ, जैसा मैंने बताया कि काफ़ी इसका मार्केट में, जैसे आप जो छीली लाख तैयार होने के बाद जो टहनी से छील के निकालते हैं रॉ मटेरियल, जो कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए जो फर्दर इससे प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तो अच्छा काफ़ी दाम मिल रहा है। इसके अलावा पहले भी देखा गया कि कई बार जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता था तो किसान थ्रू प्राइस पर फेंक देते थे, चूँकि इसको स्टोर करने में बहुत दिक्कत, बोरे में आप भर के नहीं रख सकते हैं। अगर कीजिएगा तो लंप फॉर्मेशन हो जाएगा और एक बार लंप बन गया फिर फर्दर प्रोसेसिंग में अगर इंडस्ट्री में बेचेंगे तो उनको अलग से मैन पावर तोड़ने के लिए लगाना पड़ता है, जिससे कॉस्ट बढ़ जाता था प्रोसेसिंग का, प्रसंस्करण का कॉस्ट जो है। तो इससे क्या है कि अगर किसान भाई इसको अगर दाने के रूप में बदल लेते हैं, जो सेमी रिफाइंड प्रोडक्ट बोला जाता है, जो कि प्राइमरी प्रोसेसिंग द्वारा किया जाता है, जिसमें क्रशिंग, वाशिंग और ग्रेडिंग अलग अलग प्रोसेस हैं, करके अगर दाने के रूप में बदल लेते हैं तो बोरे में और अनाज की तरह स्टोर करके रख सकते हैं, उनके लिए बहुत स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने संस्थान ने ही 4 मशीनों का एक सेट लघु लाख प्रसंस्करण इकाई डेवलप किया है और इसका कमर्शियल प्रोडक्शन लाइसेंस भी दिया हुआ है 3 फार्मों को, जहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। इसकी दाम लगभग 2 लाख रुपये पर 4 मशीनों का सेट है। इससे करके वो दाने में बना सकते हैं और उसको लॉन्गर पीरियड स्टोर कर सकते हैं, जब सही दाम मिले बेच सकते हैं। इसी पर्पस के लिए डेवलप किया गया। लाह का यदि अधिक उत्पादन लेना है तो इसके लिए जरूरी है कि इसकी वैज्ञानिक खेती की जाए। IINRG नामकुम में इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है।
इसका लाभ लेकर किसान भाई वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती कर सकते हैं और अपने लाह का मूल्य संवर्धन कर उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हाँ, जैसे हमारे बताया गया संस्थान में लाख की खेती कैसे करें उसकी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, जिससे किसान वैज्ञानिक विधि से लाख का अच्छी तरह उत्पादन कर सके। चूँकि लाख तो ऐसे ही बहुत लोग वैज्ञानिक विधि से करेंगे तो हुआ सीड नहीं है, लेकिन अब सही तरीके से ट्रीटमेंट करके सीड कैसे लगाना है, करके दवा कब छिड़कना है, कब उसको ट्रीट करना है कीजिएगा तो उसमें सक्सेस ज़्यादा है प्रोडक्शन का, ढंग से प्रोडक्शन का, नहीं तो कुछ कम प्रोडक्शन है मरने के चांसेस रहते हैं। तो ये कर सकते हैं। उसके अलावा किसान, जैसे मैंने बताया कि ये स्मॉल लघु प्रसंस्करण इकाई जो है छोटी डेवलप की गई है, इसको करके आप दाने के रूप में करके स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जब दाने बना ले रहे हैं तो छोटे मोटे चपड़े भी बना कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम भी आप बना सकते हैं। ग्रामीण स्तर पर ही लाह का मूल्य संवर्धन करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा पहले से ही कई प्रयास किए जा रहे हैं। आज के समय में ऐसी मशीनें उपलब्ध हो गई हैं जिससे ग्रामीण स्तर पर ही लाह का प्रसंस्करण कर उसे दाने में परिवर्तित किया जा सकता है। 4 मशीनों के सेट को लघु लाख प्रसंस्करण इकाई कहते हैं। इसमें 4 तरह की मशीनें होती हैं। पहला स्क्रैपर कम क्रशर, दूसरा वॉशिंग बैरल, फिर विनोवर तथा ग्रेडर। इन मशीनों से कच्चे लाह को दाने में आसानी से परिवर्तित किया जाता है। इस संस्थान ने बहुत पहले इस पर विचार किया और देखा कि जनरली जो दाना बनाते हैं, जनरल इंडस्ट्री बनाती है, वो उसमें बड़ी बड़ी मशीन यूज होती है और किसानों के लिए भी गांव लेवल पर ही कैचमेंट एरिया जहां प्रोडक्शन उत्पादन हो रहा है वहीं पर वैल्यू एडिशन करके दाना बनाया जा सके, सही दाम मिले, इसके लिए संस्थान ने 4 मशीनों का एक सेट लघु लाख प्रसंस्करण इकाई विकसित किया है और इसको लाइसेंस भी दिया है कमर्शियल प्रोडक्शन, जो कि यहाँ से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। ये मशीन 4 सेट मशीन, इसमें पहला एक क्रशर है कम स्क्रैपर कम क्रशर, जिसमें स्क्रैप भी कर सकते हैं और छोटे छोटे दानों में हम उसको कीड़े जो छिली लाख उसको तोड़ देंगे। तोड़ना जरूरी रहता है क्योंकि कीड़ा घर रहता है और उसमें कीड़ा का रंग रहता है, अगर नहीं तोड़ेंगे तो आगे फर्दर धुलाई में रंग नहीं निकल पाएगा तो जो लाख मिलेगा वो हमको लाइट कलर का नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ क्रशिंग किया जाता है, वो गेहूं के दाने के बराबर 8 साइज का क्रश करके हम उसको दाने में कन्वर्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम ले जाते हैं वॉशिंग बैरल में ले जाके उसकी धुलाई करते हैं, जिसमें पानी में घुलने वाला जो रंग रहता है लाख का वो निकल के बाहर चला जाता है, लाख मेरा साफ, साथ में धूल डस्ट जितने चीज़ें वो सब धुल के निकल जाते हैं। अब फिर उसको हम ओपन फ्लोर पर सुखा देते हैं जिससे दाने में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद जब सूख गया वो तो उसमें से छोटी भूसी लकड़ी कुट्टी उसको निकालने के लिए एक मशीन हमारी है, विनोवर है जो बोलते हैं उसाने की मशीन, उससे हम उसमें छोटी छोटी लकड़ी के बुरादे सब निकाल के उससे जो हवा मार के चलता है उसे निकाल देते हैं और फिर जब हमारा साफ क्लीन दाना मिल गया फिर हम उसको ग्रेडर में डाल के उसमें 2 जालियाँ रहती है 8 साइज 40 की, जिसमें से अलग अलग 2-3 फ्रैक्शन में हम कलेक्ट कर लेते हैं और बालू उलू नीचे साइड में चला जाता है, उससे हमको साफ दाना क्लीन मिल जाता है जो एक फिक्स क्वालिटी से हम अच्छा मार्केट से प्राइस प्राप्त कर सकते हैं। लाह की अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए संस्थान द्वारा किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि किसान भाई इसका प्रशिक्षण लेकर लाह का मूल्य संवर्धन कर उसे बाजार में बेचे तो वो निश्चित रूप से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक लाह की खेती का है, सबसे पहले उसको वैज्ञानिक विधि से खेती करना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक हम नए वैज्ञानिक विधि सही ढंग से लाख को नहीं पैदा करेंगे तो हमें फसल मरने का या प्रोडक्शन ठीक से नहीं होने पैदा होने का हमेशा खतरा बना रहेगा। इसके लिए संस्थान की तरफ से इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है कि सही ढंग से कैसे आप लाख की खेती करें, किसान हमारे आके इससे संस्थान से जुड़ के उसके बारे में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनकी ज़रूरत के अनुसार हम जब चाहे हमेशा रेडी रहते हैं प्रशिक्षण देने के लिए वो कर सकते हैं। साथ में दाना बनाने के अभी जो है जो प्रोडक्ट मैंने बताया लाख का दाना, उसके लिए हमारे यहाँ मशीन डेवलप है, देख सकते हैं, यहाँ के ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनको स्किल डेवलप किया जाता है कैसे वो दाना बनाए, जो क्या क्या उस पर प्रोसेस है कैसे फॉलो करना है करके वो ये प्रोसेस हम लोग देते हैं, साथ में सर्टिफिकेट भी एक देते हैं ट्रेनिंग का, इसको आगे भी फर्दर यूज कर सकते हैं। लाह जो कि एक कीमती कृषि उत्पाद है, किसान भाई यदि उसकी वैज्ञानिकों की राय पर खेती करें
तो वे उसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी को बेहतर बना सकते हैं। देखा ना किसान भाई बहनों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के अंक से आप जरूर लाभान्वित होंगे और आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और अधिक से अधिक मुनाफा भी प्राप्त करेंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।